बच्चों, क्या हालचाल है सभी लोगों का? ठीक ठाक? सभी लोग, सभी की तैयारी अच्छी चल रही है? सभी लोगों ने टेलीग्राम क्वेश्चंस के लास्ट सॉल्यूशंस जो भी हम लोगों ने डिस्क्राइब किए थे, आप लोगों ने उनको तैयार कर लिया होगा। और टेलीग्राम सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट 07 वीडियो और पार्ट 06, 05, 04, 03, 01 ये सभी प्लेलिस्ट में है। आप लोग जाकर के इनको तैयार करें। टेलीग्राम चैनल से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने, याद रखिए, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगी और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है बेटा? और जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर के चैनल को ज्वाइन करें, वहां से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को नोट करें, अपने आप सॉल्व करें, जो क्वेश्चंस आपको आ जाएं बहुत अच्छा। और अगर क्वेश्चन ना आपको क्लियर हो तो आप सारे सोल्यूशंस यूट्यूब पर मैं बना के अपलोड कर रहा हूं, आप लोग सारे सोल्यूशंस को बारी बारी से देख करके आप उसकी तैयारी करें। ठीक है बेटा? तो आज हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और टेलीग्राम क्वेश्चन का 08 पार्ट लेकर आए हैं, जिसके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको ये पूरी सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही इससे, और इन क्वेश्चंस के डिटेल सोल्यूशन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टेलीग्राम क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 08। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 110 तक के सोल्यूशन को कंप्लीट किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं, क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, सभी लोग ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चंस को पढ़ें, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस पर आएं। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तब आप सॉल्यूशन को नोट करें, और अगर आप अपने आप लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जो बच्चे अपने आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो लोग सॉल्यूशन की हेल्प से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। ठीक है बेटा? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें बेटा। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार W है, तो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुनी ऊंचाई पर उसका भार क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन हुज वेट ऑन अर्थ सरफेस इज W, व्हेन ही गोस एट द हाइट 3 टाइम्स देन रेडियस ऑफ अर्थ, देन इट्स वेट एट दैट प्लेस विल बी। सभी लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी तल पर किसी भी एक व्यक्ति का भार W है, और अगर उसको हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुनी ऊंचाई पर ले जाएं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप उसका भार बताएं। सभी लोग जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर जो बॉडी का वेट होता है वो W है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। ये अर्थ की सरफेस है जिसकी रेडियस है R, सेंटर है C, पृथ्वी की सतह अर्थ सरफेस। और उसने कहा है कि आप इस बॉडी को, या कोई व्यक्ति हो, आपको मान लो कोई व्यक्ति है एनी मैन, और अगर आप उसको 3 गुना ऊंचाई तक ले जाते हो, ये वो पॉइंट है जहां तक हम लोग उसको ले जा रहे हैं, और h इज इक्वल टू हम लोगों को दिया है 3 RE। वो ध्यान से समझें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक का नाम ग्रेविटेशन, h इज इक्वल टू 3 RE। तो सबसे पहले हम लोग ये काम करें, इस पॉइंट P पर निकाल लें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीकरण, g' इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE का होल ऑफ स्क्वायर। ये फार्मूला होता है गुरुत्वीकरण का h ऊंचाई पर, h की जगह क्या रखेंगे 3 RE, therefore g upon 1 plus 3 RE upon RE का होल स्क्वायर, RE से RE कैंसिल हो गया बेटा, ये वैल्यू आपके पास में आ गई g upon 1 plus 3 का होल ऑफ स्क्वायर, और 3 plus 1 कितना हुआ 4 का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहां पर ये बेटा बन गया g by 16। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि जब आप इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से h हाइट पर ले जाओगे, कहां पर ले जाओगे h ऊंचाई पर, तो वहां गुरुत्वीकरण कितना होगा g' बराबर g/16 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीकरण। दोनों साइड आप m का मल्टीप्लाई कर दो तो mg' इज इक्वल टू mg/16, और सभी लोग जानते हो mg' को बोलते हैं बेटा w' और mg को बोलते हैं w। दैट मीन्स पॉइंट P पर जब आप उस व्यक्ति को ले जाओगे, या वो व्यक्ति स्वयं पॉइंट P पर जाएगा, इस ऊंचाई पर जब वो पहुंचेगा, तो उसका जो भार होगा वो w/16 होगा। उसका भार क्या होगा w/16 होगा। W क्या है? वेट ऑन अर्थ सरफेस। तो h ऊंचाई पर अगर हम उस बॉडी को ले जाएं, या किसी मास को ले जाएं, या किसी व्यक्ति को ले जाएं, तो उसका भार कितना होगा 1/16 गुना, 1/16
16 गुना। सभी को पूरी बात समझ में आनी क्या? इसका मतलब उसका वेट क्या होगा? रिड्यूस होगा। उसका भार क्या होगा? घटेगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आंसर आएगा W/16, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सभी को पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया? कोई भी एक मैन था जिसका अर्थ के सरफेस पर वेट क्या था? W। उसको एच हाइट पर ऊपर ले गए तो हमको क्या निकालना है? उसका वेट। उस वेट को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया? W डैश। तो सबसे पहले क्या किया? एच हाइट पर हम लोगों ने जी डैश निकाला। जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। एच की जगह क्या रख दिया? 3 आर। आर से आर हो गया कैंसिल, तो जी अपॉन 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर जी बाई 16। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा रिजल्ट कितना आ गया? W डैश इज इक्वल टू W बटे 16। पूरी बात सभी को समझ में आ गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मीडियम का इशू किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाई लैंग्वेज में मैं सारे क्वेश्चंस को बताता हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही हो लैंग्वेज की तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आवेग की विमा निम्न में से समान है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? आवेग की विमा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इम्पल्स। इंपल्स सभी लोग जानते हो, आवेग को बोलते हो इंपल्स। ठीक है, आवेग का फार्मूला होता है बच्चा F इंटू डेल्टा टी, और सभी लोग जानते हो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2 और टाइम इंटरवल की होती है टी। हम लोगों ने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया MLT-1। क्या आया? MLT-1। और सभी लोग जानते हो MLT-1 डायमेंशन फार्मूला किसका होता है? लीनियर मोमेंटम अर्थात रेखीय संवेग का। इसका फार्मूला होता है ये रेखीय संवेग का, लीनियर मोमेंटम का। तो ये क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था, तैयार इसको कर लें। आवेग की विमा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंपल्स किसके इक्वल होगा? लीनियर मोमेंटम के, रेखीय संवेग के। दैट मींस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लीनियर मोमेंटम। और सभी लोग इस फार्मूले को तैयार भी कर लें, एक इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी कॉपी में आप इसको नोट भी कर लें कि जो डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, वो इंपल्स के बराबर होता है। जो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन के मान के बराबर होता है। डेल्टा पी होता कितना है? P2-P1 है ना, और आई क्या होता है? इंपल्स F इंटू डेल्टा टी। तो आवेग का मान संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्वेश्चन का फिलहाल सही आंसर है आवेग की विमा संवेग के बराबर है, लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों टेलीग्राम में जितने भी क्वेश्चन दिए वो आपके लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस बात को स्वयं समझ रहे होंगे, जो बच्चे इन क्वेश्चंस को पहले रिवीजन कर चुके हैं उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इनको जरूर लगाएं। जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहां से उसको ज्वाइन करें। और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 113 113 एक गेंद को 36 से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, इसकी गति ऊर्जा कैपिटल ई है, तो उच्चतम बिंदु पर इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? पढ़ लिया सभी लोगों ने? ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी जी, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी। किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया यू वेलोसिटी से, ये होता है हाईएस्ट पॉइंट पी और ये क्यू, ग्राउंड का जो पॉइंट है वो क्यू। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है? कितने डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया? 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया, यहां से 45 डिग्री पर प्रक्षेप को छोड़ा गया, 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी ई हो तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी बताएं ई डैश क्या है। सवाल सभी को समझ में आ गया? बोलिए सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया? प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम है, मोशन इन 2D की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार आते हैं। ओ पर अगर गतिज ऊर्जा हो ई, तो कह रहा है बिंदु पी पर गतिज ऊर्जा को बताएं। आप लोगों को यह पता है कि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ई डैश इज इक्वल टू होती है बेटा हाफ
एमयू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर गतिज ऊर्जा होती है हाफ एमयू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको क्या दी है 45, तो ई डैश इज इक्वल टू हाफ एमयू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45, और यहां से ये आ गया ई डैश इज इक्वल टू हाफ एमयू स्क्वायर, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का होल हाफ स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना हुआ बेटा हाफ एमयू स्क्वायर इंटू 1/2, ये वैल्यू ई डैश की आ गई। और आप लोगों को पता है कि पॉइंट ओ पर एट पॉइंट ओ यानी पृथ्वी तल पर जो गतिज ऊर्जा होती है वो ई बराबर हाफ एमयू स्क्वायर। इस वैल्यू को हम लोगों ने यहां पर पुट कर दिया तो रिजल्ट आ गया ई डैश इज इक्वल टू ई बाई टू। ई डैश इज इक्वल टू बेटा आंसर कितना आ गया ई बाई टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं इस प्रकार के सवाल, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थीटा की वैल्यू यहां क्या दी थी 45, ये चेंज हो सकती है, कोई दूसरा क्वेश्चन है थीटा का दूसरा मान हो सकता है, लेकिन तरीके में कोई बदलाव नहीं है। तो इसमें क्या आपको तैयार करना है, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है हाफ एमयू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू है कितनी बेटा 45। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन का सही आंसर आया ई डैश इज इक्वल टू ई बाई टू, ई डैश इज इक्वल टू ई बाई टू। क्वेश्चन सॉन में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको सोल्यूशन क्लियर हो गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ई बाई टू। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 114 सवाल क्या कह रहा है पढ़ो, किसी मनुष्य के द्वारा पृथ्वी तल पर सबसे अधिक दाब कब कार्य करता है, किसी वस्तु के द्वारा पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा दाब कब कार्य करता है ना, कोई भी व्यक्ति है जैसे हम और आप अगर किसी सरफेस पर खड़े हैं तो हम लोग सबसे ज्यादा प्रेशर कब एग्जर्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जब वो दोनों पैरों पर खड़ा हो, पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है, जब वो लेटा हो ले डाउन, जब वो एक पैर पर खड़ा हो और जब वो बैठा हो। बेटा एक बात ध्यान दो, जब कोई व्यक्ति दोनों पैरों पे खड़ा होता है, जैसे आप दोनों पैरों पे खड़े हो तो आपका जो संपूर्ण भार है वो दोनों पैरों पे बराबर बराबर डिवाइड हो रहा है, दोनों पैरों पे बराबर बराबर डिवाइड हो रहा है, तो जो भार है उसका परिमाण या उसका जो इफेक्ट है उसका जो प्रभाव है वो पहले से क्या हो रहा है कम। लेकिन जब आप एक पैर पर खड़े होते हो, जब आप एक पैर पर खड़े होते हो तो आपका संपूर्ण जो भार होगा एमजी वो उसी पैर पर एक दाब आरोपित करता है, उसी पैर पर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। इसका सीधा सा आंसर है कि जब आप एक पैर पर खड़े होंगे तो ग्राउंड पर लगने वाला प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है बेटा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है जब वह एक पैर पर खड़ा होता है when he stands on one leg। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही भी है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर ले। सभी को समझ में आ गया बेटा, तो जब कोई व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होगा, और तुम खड़े ना हो जाना एक पैर पर, सबसे कौन कहें एक पैर पर खड़े हो जाओ, तो एक पैर पर जब आप खड़े होगे तो आप सबसे ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करोगे, है ना, तो ऐसी कंडीशन में आंसर होगा जब वो एक पैर पर खड़ा होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है, जब जल की छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया में पृष्ठ ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बड़ी बूंदें मिलकर, जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है बेटा, जब कई सारी छोटी छोटी बूंदें मिलकर, क्वेश्चन नंबर 115, जब मैनी ड्रॉपलेट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड मेक्स ए बिग ड्रॉप, इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर, अगर कई सारी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद को बनाए जिसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, तो सभी लोग जानते हो जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाएंगी तो सरफेस एनर्जी घटेगी, पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी घटेगी। क्वेश्चन का सही आंसर वो क्या कह रहा है, सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस, सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस, सरफेस एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। जब छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं तो पृष्ठ ऊर्जा घट जाती है, सरफेस एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें और लर्न भी कर लें। जब बड़ी बूंद छोटी बूंदों में टूटती है, अपनी अपनी कॉपी में लिख लें सभी लोग, जब बड़ी बूंद छोटी बूंदों में टूटती है when bigger drop divides into smaller droplets, तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है,
लेकिन व्हेन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स आर कंबाइंड टू मेक ए बिग ड्रॉप, जब कई सारी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो सरफेस एनर्जी कम हो जाती है, मींस सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 116 अच्छा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 116 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से पढ़ें। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दूसरे से r दूरी पर हैं, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया भी था कि कोई भी दो डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, एक दूसरा डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो, जो दूरी है स्मॉल r, जो दूरी क्या है बेटा स्मॉल r, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा होने पर दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। सभी लोग जानते हो डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 1/4πε0 6P1P2/r^4। जिन बच्चों को ये सूत्र ना तैयार हो उसको तैयार कर लें। दो डाइपोल के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 1/4πε0 6P1P2/r^4। Therefore, इलेक्ट्रिक फोर्स F प्रोपोर्शनल 1/r^4, और आप लोग इसी को लिखते हो F प्रोपोर्शनल r^-4। इसका मतलब जो बल है वो दूरी के -4th power के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर दिया है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर लें। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो F प्रोपोर्शनल होता है 1/r^4। F प्रोपोर्शनल 1/r^4, या आप इसी को लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो क्वेश्चन का सही आंसर आएगा F प्रोपोर्शनल 1/r^-4। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। हर क्वेश्चन को मैं बिल्कुल कंफर्टेबल, बहुत ही आसान ढंग से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करो, क्वेश्चंस को लगाते समय कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब तक आपको चीजें समझ में ना आ जाए। रटा मत करो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रटने का मतलब होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आप रटे नहीं, समझ करके आंसर्स को किया करें, आगे बढ़ा जाए। चलिए, क्वेश्चंस के सलूशन समझ में आ रहे हो तो लाइक भी कर दो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, कई बार मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूं। क्या कह रहा है, मोमेंटम को डबल कर दो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सभी लोग जानते हो जो इनिशियल मोमेंटम होता है जिसको प्रारंभिक संवेग कहते हो, अगर वो मोमेंटम पी हो तो जो नया मोमेंटम है, न्यू मोमेंटम यानी जो नया संवेग है, वो उसने क्या कर दिया है बेटा। यदि किसी वस्तु के संवेग को दोगुना कर दिया जाए, संवेग को क्या कर दिया जाए सॉरी बेटा दोगुना कर दिया जाए, तो ये हो गया 2p। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 3p क्यों नहीं हो गया। बेटा 3p तो तब होता ना जब कहता कि दो गुना बढ़ा दिया जाता है, तो पहले p था, दो गुना और बढ़ा दिया तो p+2p = 3p। ये कंफ्यूजन दूर कर लो, और कहते दुगुना कर दिया, डबल कर दिया, बिकम डबल, तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, p2 = 2p। क्लियर हो गया। अब सभी लोग जानते हो ये p1 = p और p2 = 2p। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा k = p2/2m। देयरफॉर k1/k2 = p1/2p2। तो p1 की जगह आप क्या रखोगे, p2, फिर क्या रखोगे, 4p2, दैट मींस 1/4। तो ये आ गया k1/k2 = 1/4। तो k2/k1 और k2/k1 = क्या हो गया बेटा, 4/1। और किसमें हमको रेशियो निकालना है, परसेंटेज रेशियो, हम लोगों को परसेंटेज रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी में। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा के बटे के गुणे 100% बराबर क्या होता है फार्मूला, k2/k1 - 1/100%। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लेना ठीक है सभी लोग, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। सभी को समझ में आ रहा है ना, k2/k1 और k2/k1 क्या है बेटा, 4/1 यानी 4 - 1 × 100। 4 - 1 का मतलब 3 × 100%। क्वेश्चन का आंसर आएगा 300% बढ़ेगी। अगर मोमेंटम को आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। रेखीय संवेग को अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो गति जोड़ जा बेटा 300% बढ़ जाएगी। क्लियर, नोट कर लें सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अगर लीनियर मोमेंटम को रेखीय संवेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? तो क्वेश्चन का आंसर है गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाएगी। क्लियर? जो लोग ना नोट कर पा रहे हो वो वीडियो को पॉज कर लें, मैं क्वेश्चन को रफ करके आगे की ओर बढ़ता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें। ठीक है बेटा, हर क्वेश्चन को ऐसे लगाओ कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्वेश्चन को पूरा पूरा सही एकदम कर दो, आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन एग्जाम सेंटर पे नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। और मेरी बात आप बिल्कुल मानिए कि अगर आप टेलीग्राम क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं तो काफी हद तक आपके क्वेश्चन पेपर में पढ़े हुए आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल इन बातों को ध्यान से समझें और अच्छी तरह क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 118 पढ़िए जरा आप लोग, तब तक मैं फोन खोल लेता हूं, बार बार बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 पढ़ो बेटा, जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है बेटा, तो इस वाले क्वेश्चन में 117 में एक बात ध्यान रखना, उसने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, मैंने परसेंटेज निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। गतिज ऊर्जा 300% होगी, 300% होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 4 गुना बिकम 4 टाइम्स। क्लियर? फिर से मैं इस बात को बता देता हूं कि P1 = P, P2 = 2P और बेटा फार्मूला क्या होता है, K = P² / 2m, दैट मीन K proportional पी स्क्वायर, तो K1 / K2 = P / 2P का होल हाफ स्क्वायर, तो 1/4 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 4K1। K2 बराबर क्या आएगा, 4K1। कोई दिक्कत नहीं, मैंने परसेंटेज निकाल दिया था, वो भी क्वेश्चन आपका हो गया, आप ऐसे समझे। ठीक है, तो दोनों आंसर सही है, 4 गुना और 300%। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m, इसका अर्थ के सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी v है, एक दूसरी बॉडी जिसका मास 4m, इसकी एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग क्या होगा? बेटा सभी लोग जानते हो जो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थात पलायन वेग, वो होता है v = √2gme/r। ठीक है, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, पलायन वेग, इसी को आप लोगों ने पढ़ा था √2gr। सभी लोग इस सूत्र को ध्यान से देखें, इस फार्मूले में कहीं पर भी जो स्मॉल m का टर्म है वो नहीं है। स्मॉल m बेटा क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस वस्तु को हमको प्रक्षेपित करना है उसका मास क्या है, m। लेकिन फार्मूले में कहीं स्मॉल m है, नहीं है, तो मैंने आपको इसको लर्न भी कराया था कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थात जो पलायन वेग होता है, इट इज इंडिपेंडेंट, ये निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो चाहे m मास की बॉडी को आप ग्राउंड से थ्रो करो और चाहे 4m या 2m मास की बॉडी को ग्राउंड से थ्रो करो, एस्केप वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, पलायन वेग कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो एग्जाम पेपर में जल्दबाजी में गलती ना कर देना, इसका मतलब अगर m मास की बॉडी को आप ग्राउंड से बाहर भेजोगे पृथ्वी के तल से, तो यदि पलायन वेग v है तो 4m द्रव्यमान की वस्तु को भी बाहर भेजने पर एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग v होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर b इज करेक्ट। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए, इस बात को आप जरा कहीं नोट कर लेना अपनी कॉपी में, एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी अर्थात पलायन वेग कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन सरफेस टेंशन का है, ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बदलता है, सभी लोग जानते हो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन घटेगा, टेम्परेचर को बढ़ाने पर सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव घटेगा, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, याद है ना सभी लोगों को, और क्रांतिक ताप पर एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है, ये भी लर्न कर लो, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 120। धातु की दो गेंदें जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, 2 metal balls of radius 1:2
दे ड्रॉप्स इन विस्कस लिक्विड, उनको श्यान द्रव में गिराया गया, उनके सीमांत वेगों का अनुपात बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फार्मूला क्या होता है, v प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1:4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऐसे ही लगाते रहो क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ हुआ करे उसको जल्दी से करने का प्रयास किया करो, ठीक है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए क्वेश्चंस को जरूर ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लिया सभी लोगों ने, रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 हो गया, 121, क्वेश्चन नंबर 121 थोड़ी गले में समय बेटा खराश है, सीजन बहुत बदल रहा है, आप लोग भी ध्यान रखें, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में, फिर भी मैंने सोचा कि क्वेश्चंस कराना जरूरी है, इसलिए आपको क्वेश्चंस के सलूशन बताए जाएं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी तकलीफ है लेकिन क्या सह लेंगे। एक लिफ्ट में सरल लोलक का दोलन काल 2 सेकंड है, एक लिफ्ट में सरल लोलक का दोलन काल, क्वेश्चन नंबर 121, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू आपको दिया है 2 सेकंड, यदि लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जाती है, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कह रहा है सरल लोलक का दोलन काल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ऑसिलेशन, ठीक है ना, ये ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, उसने हम लोगों से पूछा है कि दोलन काल यानी टाइम पीरियड आप बताएं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो टाइम पीरियड क्या होगा। चलो सभी लोग जानते हो टाइम पीरियड का बेसिक फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी, क्वेश्चन नंबर 1, और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तब नया टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, बस ये फार्मूला जिस बच्चे को तैयार है उसका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कोई लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जाती है तो प्रभावी त्वरण इफेक्टिव एक्सीलरेशन हो जाता है प्यारे बच्चों जी प्लस ए, क्या हो जाता है जी प्लस ए, तो जो नया आवर्तकाल होगा उसके सूत्र में लिखोगे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, और दोनों को डिवाइड करोगे, जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो टी डैश अपॉन टी, 2 पाई से 2 पाई कट गया, अंडर रूट में आएगा जी प्लस ए अपॉन जी, क्लियर हो गया, और टी की वैल्यू हम लोगों को बेटा कितनी दी है, यहां से इसको आप देखोगे तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस a बाई जी, ठीक है, ये आएगा 1 प्लस a बाई जी, स्क्वायर करोगे टी डैश अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस a बाई जी, और आपको ए की वैल्यू उसने दी है, ए की वैल्यू 2 और जी की वैल्यू 10, तो ये आ गया 1 प्लस 1 बाई 5 और 5 1 5 1 6 बाई 5, इतना सभी को समझ में आ गया, ये हो गया 6 बाई 5, क्लियर है, ए की वैल्यू क्या दी थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की जगह 10, तो ये 1 प्लस 1 बाई 5 आ गया 6 बाई 5, टी डैश कितना दिया है बेटा कैलकुलेट करना है, टी कितना दिया है 2 सेकंड, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, टी डैश का स्क्वायर अपॉन टी यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आया 6 बाई 5, therefore t dash का स्क्वायर इज इक्वल टू आया 6 बाई 5 × 2 का स्क्वायर 4, और ये आ गया 24 बाई 5, तो t dash इज इक्वल टू अंडर रूट 24 बाई 5, सॉल्व कर लेना 1.6 सेकंड, क्लियर कर लोगे सभी लोग, क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 1.6 सेकंड। नीचे से क्वेश्चन कुछ कट हो रहा है क्या, थोड़ा सा ये वाली लाइन में ऊपर की ओर लिख देता हूं, फिलहाल आप यहां से कर ले जाओगे कि 24/5 आ गया, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो टी डैश इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 24/5, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1.6 सेकंड, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया, तो लिफ्ट का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंडीशन क्या थी मैंने आपको बताई, किसी लिफ्ट का टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, और जब आप लिफ्ट को ऊपर की ओर एक्सीलरेट करोगे तो उसका नया टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, दोनों को डिवाइड करोगे टी डैश अपॉन टी निकलेगा, वैल्यू को रख दोगे, आंसर को सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 1.6 सेकंड, कर लोगे बेटा, बोलिए भाई सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, नोट कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122, किसी धातु को गर्म करने पर उसकी प्रत्यास्था, सभी लोग जानते हो जो इलास्टिसिटी होती है, जो प्रत्यास्था होती है वो रेसिप्रोकल होती है 1 अपॉन टेम्परेचर, तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं यानी ताप को बढ़ाएं
तो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता घटेगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लें, ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ने पर इलास्टिसिटी घटेगी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि गेंद के गिरने का समय t1 हो और वापस जाने का समय t2 हो तो गेंद और फर्श के बीच प्रत्यवस्थान गुणांक क्या होगा। प्रत्यवस्थान गुणांक का मतलब समझते हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल e। टॉपिक का नाम कोलिजन यानी संघट। m मास की बॉल जब किसी हाइट से नीचे छोड़ी जाती है और टकरा करके वापस जाती है, जैसे t टाइम इसने लिया ऊपर से नीचे आने में और वापस नीचे से ऊपर जाने में उसने टाइम कितना लिया बच्चों, t1। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे से ऊपर आने का समय t1 है और टकरा के वापस जाने का समय क्या है t2। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, बताओ प्रत्यवस्थान गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर छोड़ी जाती है तो कितना समय लेती है, अंडर रूट 2h/g/s। इसी प्रकार जब बॉल वापस नीचे से ऊपर जाती है तो कितना समय लेती है, अंडर रूट 2h1/g/s। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो तो t2/t1 दैट विल बी इक्वल टू h1/h, और h1/h किसके इक्वल होता है, स्मॉल e के। तो क्वेश्चन का सही आंसर आ गया e इज इक्वल टू t2/t1। तो जो संघट्ट गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन होता है, वो किसके इक्वल होता है बच्चों, इज इक्वल टू t2/t1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इज इक्वल टू t2/t1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है ना, टकरा के वापस जाने का टाइम कितना t2, लौट के आने का समय कितना t1। ठीक है, वापस आने का समय है जो t2 और पहले जो टाइम लगा था वो t1, तो दोनों में रिलेशन होता है, इज इक्वल टू t2/t1। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124, यदि किसी वस्तु पर अभिलंब बल को 4 गुना कर दें, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले अभिलंब बल को 4 गुना कर दें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिलंब बल को 4 गुना कर दें तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। सभी लोग फार्मूला जानते हो, फ्रिक्शन फोर्स होता है F=μr या F=μmg। आर जो होता है वो नॉर्मल फोर्स या अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है। क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स पर। तो यहां से R=μ बन गया बच्चों F/μ, R=F/μ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब बल को अगर 4 गुना कर दो तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, दैट मीन्स म्यू क्या होगा। बेटा आप लोगों को पता होगा जो म्यू होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द सर्फेस, ये संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। म्यू का मान संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। म्यू इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सर्फेस, नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सर्फेस। तो बस सीधा आंसर है, आप आर को अगर 4 गुना भी कर दोगे तो म्यू के मान में कोई चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स रिमेन्स अनचेंज्ड, अर्थात म्यू क्या होगा, अपरिवर्तित। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, तो ध्यान से इनको पढ़ो, तो ऐसी कंडीशन में सही आंसर क्या होगा, म्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 125, किसी कण का प्रारंभिक वेग 3i+4j, यू वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोगों को दिया है बच्चों 3i+4j, तो ये हो गया ux=3 और ये हो गया uy=4। अब क्वेश्चन कह रहा है 10 सेकंड के बाद कण की चाल बताओ, t इज इक्वल टू आपको दिया है 10 सेकंड और आपको बताना है रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी। रिजल्टेंट स्पीड का फार्मूला v=√vx²+vy²। v इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा बच्चों, vx²+vy²। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, 10 सेकंड के बाद vx कितना है और फिर क्या निकालोगे, 10 सेकंड के बाद vy कितना है। तो सबसे पहले vx आप निकालोगे, फार्मूला क्या लगेगा बोलो, क्वेश्चन कह रहा है 10 सेकंड के बाद एक्सीलरेशन भी आपको दिया है बेटा, a वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 0.4i और प्लस 0.3j, तो ये हो गया ax और ये हो गया ay। ठीक है, जैसे ये ux और ये uy, तुलना करा दी आप लोगों ने, u इज इक्वल टू uxi कैप प्लस uyj कैप, ऐसे a इज इक्वल टू axi प्लस ayj कैप। ठीक है बेटा,
अब हम लोगों ने इसमें क्या किया, Vx निकाला, Vx इज इक्वल टू होता है Ux प्लस Ax इंटू टी, Ux प्लस Ax इंटू टी, तो Ux कितना है बेटा 3, Ax कितना है 0.4 और t कितना है 10 सेकेंड, इसको आप लोगों ने लिखा 3 प्लस 4 इंटू 10, क्लियर 4 बाई 10 इंटू 10, तो ये आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार आप लोगों ने Vy निकाल लिया, Vy इज इक्वल टू होता है Ui प्लस Ay इंटू टी, Ui कितना है बच्चों 4, Ay कितना दिया गया है, Ay आपको दिया गया ध्यान से देखो 0.3 और इंटू कितना 10, तो ये आया 4 प्लस 3 बाई 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये भी कितना आ गया 7 मीटर पर सेकंड। और अब आपको क्या निकालना है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 7√2 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आप लोग तैयार कर लें कि आपको u दिया था और a दिया था और आपसे उसने ये पूछा था कि आप ये बताएं कण की चाल क्या होगी, आंसर है 7√2 मीटर पर सेकंड या 7√2 यूनिट। पूरा क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, सबसे पहले हमको क्या दी थी वेलोसिटी, हम लोगों ने इसको कंपेयर कर दिया uxi प्लस uij से, तो ux इज इक्वल टू 3, ui इज इक्वल टू 4, अब t बराबर 10 सेकंड के बाद हमको v निकालना था, तो पहले निकाला vx फिर निकाला vy, ax ay ये था, vx बराबर ux प्लस ax इनटू t, vy इज इक्वल टू ui प्लस ay इनटू t, t की वैल्यू थी 10 सेकंड, रख करके सॉल्व किया 7 मीटर पर सेकंड, दोनों वैल्यू 7 7, और रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया आंसर आ गया 7√2 मीटर पर सेकंड। नोट कर लें क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस बेटा आपको समझ में आ गए, क्वेश्चन नंबर 125 तक आज हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किया है, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 125 के आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करें जो आप लोगों ने पहले कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात, और जो क्वेश्चन नहीं कर पाए उनको आप YouTube चैनल की हेल्प से देख करके, आप इन वीडियोस को देख करके अपने क्वेश्चंस को तैयार करें। जो नए बच्चे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप लोग उन क्वेश्चंस के नोट्स बनाएं और सोल्यूशन मैं आपको बारी बारी से करवा रहा हूं। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है टेलीग्राम क्वेश्चन का वीडियो नंबर 08, इसी प्रकार मन लगा करके तैयारी करते रहें और आगे आने वाले क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अपनी बात आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्वेश्चन नंबर 126 से हम लोग सोल्यूशन को लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तैयारी को अच्छी तरह मन लगा करके करते रहें। जय हिंद, जय भारत।